तो कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल पे। हमारी पिछली वीडियो पे इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने ये देखा कि चाइना कैसे आर्टिफिशियल मून का निर्माण कर चुका है, और इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि 2022 में चाइना कहाँ पहुँच चुका होगा अपने इन सफल परीक्षणों की वजह से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर एक सही बात कहूँ तो असलियत में चाइना ये चीज जानता ही नहीं है कि ये सारी बुराई की जड़ सिर्फ और सिर्फ पैसा है। दरअसल पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर लेकर नहीं जा सकता है। पैसा कितना भी क्यों ना गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिर सकता जितना उस पैसे को पाने के लिए इंसान गिर जाता है। आप सभी को पता है चाइना ने हाल ही में क्या किया है, वो पूरी दुनिया से अब छुपी नहीं है। काफी अच्छी खासी कीमत मिलती है उन कंपनियों को जो इस वायरस की वैक्सीन का बाजार में मार्केटिंग करवा रही है। हर दिन कई लाखों लोगों की जिंदगियां जा रही है और इससे संक्रमित लोगों के बीच डर का एक माहौल तैयार हो रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस और चाइना के इस चाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस गई हमारी धरती, और यहाँ तक कि घुटनों पर आ चुका है सुपर पावर अमेरिका भी। और अमेरिका ही अकेला ऐसा देश नहीं है जो चीन के सामने घुटने टेक कर खड़ा है। कई ऐसे सुपर पावर कहे जाने वाले देश आज सेम अमेरिका जैसी हालत में है। चीन ने ऐसा वायरस बना दिया है कि पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसका तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर। दोस्तों, चाइना का रिकॉर्ड देखते हुए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने कहीं ना कहीं इस महामारी का एंटीडोट पहले से ही तैयार कर रखा है। लेकिन अगर चाइना ने ये वैक्सीन या दवाई बना रखी है तो वो दुनिया के और देशों को ये तकनीक क्यों नहीं दे रहा है? दरअसल दूसरे देशों को वो ये तकनीक देने से पहले वो दुनिया की कूटनीति और इकोनॉमी दोनों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अब इस तरह से ये होगा कि बिना एक भी मिसाइल का यूज किए हुए पूरे विश्व पर चाइना का राज होगा। फिर वो अपने देश में बैठे बैठे पूरी दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी ही आसानी से हिला सकता है। तब तक चीन कोरोना वायरस से जंग के नाम पर दुनिया को अपने मेडिकल इक्विपमेंट जैसे मास्क, प्रोटेक्टिव सूट्स और टीके जैसे आइटम लगातार भेजेगा। अब देखो, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि चीन आखिर कैसे फायदा लेगा, तो ये मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं पास्ट की, 1916 की। 1916 से लेकर 1918 के बीच में, मतलब दो साल में, पूरी दुनिया में एक बीमारी फैली जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। उस समय भी पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था जैसा अभी के समय कोरोना वायरस का है, और बिल्कुल इसी तरह उस समय भी इस बीमारी के फैलने से काफी लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए। अब उस टाइम जो लोग अफेक्टेड हुए इस बीमारी से, उनकी संख्या लगभग 4.5 करोड़ थी, और उस टाइम 4.5 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 6,000 लोगों की मौत हुई थी। ये सुनकर सारी दुनिया में आतंक फैल गया, और उस आतंक के माहौल में अमेरिका की एक कंपनी ने इसी बीमारी का वैक्सीन बना दिया। अब जब उन्होंने वैक्सीन बना दिया तो उस वैक्सीन का उन्होंने पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ मार्केटिंग किया और विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया। और अब आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोगों की जान चली गई, और ना जाने कितने सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप ही उस वैक्सीन को लगवाने के बाद अपंग हो गए। कई ऐसे लोग थे जो कि विकलांग तक हो गए। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बीमारी के आने से 6,000 लोग मरे, और वहीं उसका टीका लगवाने से 60 लाख लोगों की जान चली गई। अब क्योंकि ये तो वैक्सीन नया था, तो इस वैक्सीन का प्रोडक्शन अमेरिका में बहुत ही तेजी से हुआ, और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई उतनी तेजी से हुई, खासकर सबसे ज्यादा अफ्रीकन देशों में। इसके साथ ही लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया में, इटली में, और फिर अफ्रीका में और नाइजीरिया में। इस लिस्ट में सिर्फ इतने ही नाम नहीं, और भी कई सारे देशों के नाम मौजूद हैं, और इन देशों में भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी मौजूद है, जहां पर इस टीके को बहुत ही तेजी से फैलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद जो 60 लाख लोग मर गए, उनका क्या हुआ? स्पेनिश फ्लू से मरे केवल 6,000 लोग, वहीं उसके टीके से मरने वालों की संख्या हुई 60 लाख। तो इससे आपको ये अंदाजा हो ही गया होगा कि ये वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब स्पेनिश फ्लू का वैक्सीन आया तो इतने लाख लोग मर गए, अब बहुत जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन आने वाला है तो वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के साथ साथ और भी देशों के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से हर किसी को बचना है। दोस्तों सही बताऊं तो वायरस से ज्यादा ना लोगों के मन में और दिमाग में कोरोना वायरस का डर फैला है। आप दिन भर अपने न्यूज चैनल टीवी चैनल पर देख सकते हैं कि मीडिया ने लोगों के बीच एक अलग सा ही डर फैला के रखा हुआ है। तो ऐसे अगर बात मेरी मानो तो हर आदमी आज की डेट पे जैसे ही वैक्सीन आएगी वो तैयार बैठा है उस वैक्सीन को लगवाने के लिए। और सोर्सेस की माने तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक वैक्सीन का खर्चा करीब करीब 20,000 रुपए तक का आएगा। अब आप खुद एक बार सोच लो कि हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में अगर 20 करोड़ लोग भी प्रभावित होंगे और वैक्सीन लगवाएंगे तो 20,000 का अगर एक वैक्सीन आया तो करीब 4,00,000 करोड़ की बिक्री हो जाएगी हिंदुस्तान में। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और है कि चाइना ने जो ये वायरस फैलाया है वो खास करके उन्हीं देशों में गया है जो विश्व के सबसे बड़े देश हुआ करते हैं, जिसमें आता है अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, बेल्जियम और स्वीडन, ना कि गरीब देशों में जिसमें आते हैं मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लीबिया, सोमालिया, गुआना, सीरिया, म्यांमार और माली। आखिर क्यों? खुद सोच के देखिए कि आखिर इन गरीब देशों में ये वायरस इतना कम क्यों फैला है? क्योंकि टीके को खरीदने के लिए वही देश टीका खरीदेगा जिसके पास पैसा है। तो इन बड़े देशों के लोग जब ज्यादा इफेक्टेड होंगे इस वायरस से तभी ये देश पैसा खर्च करेगा इस वायरस के टीके को खरीदने के लिए। अब जिस देश के पास ढेर सारा पैसा होगा वही देश इस टीके को खरीद सकता है, जिसमें ये बड़े देश तुरंत मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे टीका लेने के लिए। और जिससे ये बहुत इजीली आइडिया लगाया जा सकता है कि चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी को हिलाकर रखने वाला है, जहां पर वो अच्छी खासी इनकम करने वाले हैं कोरोना वायरस के टीके से। चाइना आने वाले साल में हजारों करोड़ों का टीका कोरोना वायरस का जरूर बेचेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंपनी इस कोरोना वायरस का टीका बनाएगी उसके पास इसका पेटेंट रहेगा। पेटेंट बोले तो ये होता है कि आप 20 साल तक कोई और कंपनी उनके टीके का कॉपी नहीं बना सकती है। और आने वाले 20 सालों तक कोरोना वायरस के टीके पर एक ही चाइना की कंपनी का नाम रहेगा और उसमें एक स्टैम्प मेड इन चाइना का अब जरूर देखोगे। और ये एक बहुत ही खतरनाक मोनोपोली होने वाली है और उसी मोनोपोली पे हजारों करोड़ का फायदा उठाने वाले हैं पूरी दुनिया से। ये पूरी की पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है। उनको आपके स्वस्थ रहने से, आपकी हेल्थ से कोई भी लेना देना नहीं है। आप खुद कभी भी पूरा रिकॉर्ड उठा के देखो कि चाइना जो कि एपिसेंटर माना जाता है कोरोना वायरस का, वहां पर से ही कोरोना वायरस शुरू हुआ और अचानक से वहां पर एकदम से थम कैसे गया? सिर्फ और सिर्फ इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए लोगों के दिमाग में कोरोना वायरस का डर बैठाया जा रहा है। तो आई होप अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आने वाले फ्यूचर में चाइना अपने आप को किस जगह देख रहा है, क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्या उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कई सारी अनोखी जानकारी दी होगी और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। जल्दी मिलूंगा फिर ऐसी ही कोई खबर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।